नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट वेदास में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो शेयर का नाम है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई MTNL के बारे में। MTNL एक सरकारी PSU कंपनी है, इसमें पूरा रोल गवर्नमेंट का ही है। आज आप देख लीजिए यहाँ पे एक था सपोर्ट, जो मैं आपको पहले के वीडियो में बताया था यही सपोर्ट आपका बनेगा, इससे ज़्यादा ये डाउन नहीं देखने को मिलेगा। और देख लीजिए यहाँ पर 34 पर तो आया भी नहीं है, उसके बाद मार्केट एक अच्छा सा रिवर्सल लिया है। और ये जो रिवर्सल है यहाँ पे अभी रेंज बाउंड में चल रहा है, और ये रेंज बाउंड अब आगे जो है वो जहाँ तक मुझे दिख रहा है सिर्फ ये ना डाउन ट्रेंड में आने वाला है। टारगेट तो मैंने आपको दिया था, मगर ये कई जो मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो लोग पूछ रहे थे कि सर ये क्या होगा, हमारा तो बहुत लॉस हो रहा है। तो लॉस तो इनका रिकवर हो चुका है, यहाँ पर 50% तो हो चुका है। टारगेट मैंने 52 का दिया था, 52 तक अभी देखने में मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अभी ये जो मार्केट है ना ये अभी बहुत ज़्यादा रिक्सी होते जा रहा है। और रिक्सी में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अब ख़राब होने जा रहा है, US इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, और वो डेटा जो है भारत के मार्केट में ना पूरा तरह से प्रभाव डालेगा। और ये जो प्रभाव रहेगा वो MTNL पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। दूसरा ये है पूरा डेप्ट कर्जा में डूबी हुई कंपनी है। और और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो कंपनियों में तो सबसे पहले फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क आप सबको लॉस दिला सकते हैं। इसलिए आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ज़रूर सोचिएगा। देख लीजिए यहाँ पे पहला जो सपोर्ट था इसको लेकर मार्केट एक तरह से ऊपर आया, 52 तक आया, और फिर बाद में पूरा तरह से एक रेंज बाउंड में मार्केट चला है, हाई आर आई बना कर फिर डाउन किया और दोबारा ये ऊपर जा रहा। और ये ऊपर आते ही ये हल्का सा अभी एक इधर तक आएगा और दोबारा फिर डाउन ट्रेंड में आने को मिलेगा। और ये भी मेरे ख्याल से 52 भी नहीं रहेगा, जहाँ तक ये ना 48 तक जाकर 3 पॉइंट का और मूवमेंट उपसाइड दिखेगा, उसके बाद में डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।